नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से कराया जा रहा है, उसी को लेकर खगड़िया जिले में व अन्य भारत के सभी स्थानों पर राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग की राशि जनताओं के द्वारा दी जा रही है और उसमें अहम लोग भाग ले रहे हैं। इसी पर कुछ जनताओं में भी अलग तरह की बातें हैं, तो आइए हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। यह राम मंदिर 500 वर्ष जो पहले हमारी जो आस्था थी वो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ यह दूर हुआ और राम मंदिर बनने के लिए आज एक जो अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर कि घर घर जा कर के राम भक्त हर घर से 10 रुपया तक भी लें, अगर यह कोई किसी को भ्रम है तो भ्रम में ना रहें, क्योंकि हमारे राम भक्त वो रसीद लेके जा रहे हैं और रसीद पर ही आप पैसा दें, बिना रसीद का पैसा ना दें। और अगर ऑनलाइन भी करनी है तो आपको ऑनलाइन नंबर है, जब आपको रसीद प्राप्त हो तो जोर जितनी राशि की रसीद प्राप्त हो उतनी ही राशि दें। और इससे मैं स्पष्ट जनता को मैसेज देना चाहता हूं, इसमें भ्रम में ना रहें, यह सत्यापित रसीद है, जितना आपका कलेक्शन होगा उतना पैसा राम मंदिर के कोष में जाएगा। और यह आज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह एक इतिहास है, जो भी लोग अगर इसमें दान दे रहे हैं उनका बाल बच्चा उनका जो पुश्त होगा वो भी याद रखेगा कि हमारा पुस्त जो है राम मंदिर में 10 रुपया 500 रुपया 5000 रुपया 5 लाख रुपया जो भी दिया है वो उसको याद रहेगा कि राम मंदिर में हमारा भी योगदान है, हमारे घर के परिवार का योगदान है, उनकी आस्था बढ़ेगी। और यह विश्व का एक ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, लोग यहाँ पर जा कर के पर्यटक भी जाएंगे और वहाँ बिजनेस भी इतना बढ़ेगा जो कि आज हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा। राम मंदिर बनने से वहाँ पर्यटक स्थल भी बनने जा रहा और वहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग होंगे, छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग जो आज से पहले जो उनका वो एक लाभ नहीं मिल पाता था, वो बिजनेस उनका नहीं चल पाता था, आज वो दर्शनीय स्थल बनने से वो बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस बढ़ेगा और व्यापार भी वहाँ बढ़ेगा। कई व्यापारी वहाँ जाएंगे और वहाँ व्यापार बढ़ाएंगे, जिनसे कि छोटे बड़े व्यवसायी को भी लाभ होगा। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनोज कुमार गुप्ता। किस चीज़ की दुकान आप कर रहे हैं? रेडीमेड का। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिल रही है और आप भी देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर में आप भी सहयोग कर रहे हैं, क्या सोच के सहयोग कर रहे हैं, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? ये हिंदुस्तान की संस्कृति को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए ये एक आयोजन चल रहा है। और जब बात करते हैं रोजगार की, ठीक है, तो इससे रोजगारों में वृद्धि होगी या नुकसान होगा, क्या होगा? इसमें वृद्धि होगी, इसमें मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होगा कि हम जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति से बिजनेस में भी जो है धार्मिक प्रवृत्ति से करें, किसी को नजायज गलत बात विचार ना करें और सही दाम सही वातावरण में लोग को सहयोग करें, सेवा करें। देश का पर्यटक स्थल पर क्या कहना है, जब राम मंदिर बन जाएगा तो विदेश से कितने बड़ी मात्रा में लोग आएंगे? जितने वर्ल्ड में हिंदुस्तान की लगभग करोड़ों आबादी है, उनका एक आस्था हिंदुस्तान से फिर जुड़ेगा, फिर पूर्वज जो उसका वंशज जो है फिर पुनः वापस हिंदुस्तान की ओर जो है आने का कुछ करेगा, ठीक ना? इसलिए जितने भी वर्ल्ड में हिंदुस्तान के जितने भी हैं सनातन धर्मी सब, वह पुनः वापसी फिर हिंदुस्तान को वापस आएंगे यहाँ की संस्कृति को देख कर। तो रसीद उठाइए। तो आप राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उस पर आपकी क्या उम्मीद है और किस प्रकार से आपसे ये सहयोग राशि ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सदियों से पुरख भी हमारे साथ सोच रहे थे राम मंदिर बने, ये संयोग हम लोग के जीवन काल में आया है तो हमारे लिए तो बहुत भाग्यपूर्ण और गौरवशालीपन है ये। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इस राम मंदिर में, सब योगदान दे, अपना घर से घर मिलकर इस राम मंदिर को बनाने में अपना योगदान दे। और पर्यटक स्थल में इसकी क्या भूमिका अहम रहेगी? बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, सबसे सर्वोच्च क्या कहते हैं तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाएगा विश्व में, विश्वविख्यात राम मंदिर होगा ये हमारा।